इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरह से फोन पे का यूपीआई लाइट रजिस्टर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीआई लाइट ऐसा एक फीचर्स है जिसमें आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं बट पिन देने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंगल टैप पे आप पेमेंट कर सकते हैं और इसमें फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। मिनिमम जो अमाउंट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक, और मैक्सिमम जो कर सकते हैं 200। ये सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, ज़्यादा रखेंगे तो कोई भी आपका फ़ोन लेके कर सकता है, बट 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ़ोन तो आपके पास ही रहेगा। तो अभी चलिए फ़ोन पे में कैसे करते हैं। फ़ोन पे में इस ये प्रोसेस चालू करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फ़ोन पे ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरफ का आपको इधर प्रोफाइल का लोगो दिखाई देता है, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं यूपीआई लाइट, और इधर ऐड मनी करके एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐड मनी पे आपको क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इधर जो अमाउंट इधर दिख रहा है ना आपको, अमाउंट बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों इधर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाट इज यूपीआई लाइट और नहीं तो यूपीआई लाइट कैसे आप यूज कर सकते हैं, व्हाई यूज यूपीआई लाइट, ये पूरा डिटेल्स इधर बताया गया है, एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ऐड मनी करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे इधर 10 रुपीज़ रखा हुआ है, तो मैं 200 रुपये ऐड करता हूँ। अब 2000 तक आप ऐड कर सकते हैं। 200 रुपये ऐड करने के बाद ऐड मनी पे आपको क्लिक करना है। ऐड मनी पे आपको क्लिक करने के बाद आपके पास आपका फ़ोनपे में जितना भी सारा बैंक अकाउंट ऐड है वो पूरा आ जाएगा इधर। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, सभी बैंक में यूपीआई लाइट सपोर्टेड नहीं है, कुछ कुछ बैंक में यूपीआई लाइट सपोर्टेड है। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, स्टेट बैंक में है, और हमारा इधर भी और बहुत सारा बैंक है बट इसमें सपोर्टिंग नहीं है। तो आपको ये सपोर्टिंग बैंक चेंज कर लेना है, जो यूपीआई लाइट सपोर्टेड सपोर्टिंग बैंक आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो अभी देखिए इधर पेटीएम चूज करके रखे, तो इधर ऐड मनी पे क्लिक करना है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो चूज करवा लीजिए। चूज करने के बाद देखिए आपका इधर जो पिन है वो पिन एंटर कर देना है। तो चलिए मैं ये जो पिन आपको शायद नहीं दिखाई देगा आपका यूपीआई पिन, तो अभी मैंने पिन एंटर कर दिए हैं। देखिए ये यूपीआई लाइट में 200 रुपया ऐड हो चुका है। अभी क्या करना है, यूपीआई लाइट में देखिए कारण जो बैलेंस है 200 आ चुका है। अभी दोस्तों आप किसी भी क्यूआर कोड को पेमेंट करेंगे ना, तब आपका यूपीआई लाइट से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। तो चलिए कैसे दिखाते हैं, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा डिटेल्स दिखाता हूँ। तो मैं एक क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ, ठीक। तो इधर स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है हमको। देखिए हमने एक क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इधर मैंने अमाउंट डालना है, मान लीजिए 10 रुपीज़। इसके बाद प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ऊपर में आ चुका है यूपीआई लाइट, और इधर बैलेंस आपका कितना है A to Z दिखा रहा है, और आप कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं। सिर्फ मैं पे पे क्लिक करूंगा, कोई पिन देने का कोई जरूरत ही नहीं है। पे में क्लिक करने के तुरंत ही हमारा यूपीआई लाइट वॉलेट से पैसा डायरेक्ट चला जाएगा उनका अकाउंट में। देखिए हमारा फोन ये वॉइस नोटिफिकेशन ऑन करके रखे थे गूगल पे बिजनेस का, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा है। तो ये इस तरफ से ये काम करता है, इसी तरफ से आप अपना यूपीआई लाइट को रजिस्टर कर सकते हैं। और इधर यूपीआई लाइट करके एक ऑप्शन आपको सामने ही मिल जाएगा, तो इधर आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरफ से अपना यूपीआई लाइट रजिस्टर करके बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर लीजिए, और हमारा चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।